Subscribe to Easy Engineering Studies and click the bell icon to receive the latest update on all videos. Hello friends, welcome back to another video. आज से हम नया subject शुरू करेंगे जो कि है data communication. इसमें एक topic जो है वो compulsory paper में आता है वो है line coding schemes. इसमें total 5 types की line coding schemes आती है जिसकी हमें waveforms बनानी पड़ती है. तो ये topic काफी easy है. मैं आपको easy way और इसके कुछ tricks बताऊंगा याद रखने की. इसकी line coding scheme जो है वो कहीं पे भी question में आती है तो हमें समय पे ये याद नहीं आता कि एग्जैक्टली किस तरह से उसे हमें वेवफॉर्म्स निकालनी है. तो आपको मैं याद रखने की ट्रिक्स बताऊंगा कैसे उसकी वेवफॉर्म्स बनाते हैं. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लाइन कोडिंग होता क्या है. तो लाइन कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स टू अ डिजिटल सिग्नल. डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, ग्राफिकल इमेजेस, ऑडियो और वीडियो आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी एज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स. फिर है लाइन कोडिंग कन्वर्ट्स अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स टू अ डिजिटल सिग्नल. एट द सेंडर the digital data are encoded into a digital signal and at the receiver the digital data are recreated by decoding. इसके बाद है फिर line coding schemes. So इसमें generally 5 types की line coding schemes आती है. तो सबसे पहले जो है वो है unipolar, second है polar, फिर bipolar, multi-level और multi-transition. तो इसमें से हमें ये तीन सबसे important है और इसकी कोई sub schemes दी हुई है, इसकी हमें waveforms बनानी पड़ती है. तो सबसे पहले क्या दिया है unipolar और उसकी sub scheme क्या दी है NRZ. तो क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि ड्रॉ द वेवफॉर्म फॉर यूनिपोलर एनआरजेड. तो हमें उसकी वेवफॉर्म बनानी पड़ती है. फिर है पोलर. तो पोलर में आपको एनआरजेड, आरजेड, मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ये आपको सबकी वेवफॉर्म बनानी पड़ती है. एंड इस टाइप में क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द वेवफॉर्म फॉर पोलर एनआरजेड या फिर पोलर आरजेड या फिर पोलर मैनचेस्टर या फिर डिफरेंशियल मैनचेस्टर. फिर थर्ड है बायपोलर. तो बायपोलर में आपको एएमआई और सीडो टर्नरी. फिर है मल्टी लेवल, इसमें है 2B/1Q, फिर 8B/CT एंड 4D/PM5. फिर है मल्टी ट्रांजिशन, इसमें आपको MLT3, इसकी आपको वेवफॉर्म बनानी पड़ती है. सबसे पहले आपको लाइन कोडिंग स्कीम्स की वेवफॉर्म्स कैसी बनाते हैं ये आपको मैं सबसे पहले इजी वे और इसकी ट्रिक्स बता देता हूं मैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिपोलर एनआरजेड. आपको डिजिटल डाटा सीक्वेंस दी हुई रहती है, इसको आपको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसकी हमें वेवफॉर्म बनानी पड़ती है. तो मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ कि ये डिजिटल डाटा स्कीम दी हुई है 100000. तो हमें इसको इस तरह से हमें उसको प्लॉट करना है. और फिर इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमेशा अगर वन आता है तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर ही आपको ड्रॉ करनी है. और अगर ज़ीरो आता है तो वो हमेशा वहाँ पे भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है पर वो आपको रेफरेंस लाइन के ऊपर ड्रॉ करनी है. तो सबसे पहले क्या है वन, तो हम लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे रेफरेंस लाइन के. फिर है ज़ीरो, तो ये आपको फिर रेफरेंस लाइन के ऊपर आपको ड्रॉ करना है. तो हम ये यहाँ पे बनाएंगे. फिर से है ज़ीरो, तो ये हमें ज़ीरो कंटिन्यू करना है यहाँ पे रेफरेंस लाइन पे. और फिर दिया है वन, तो वन हम यहाँ पे बनाएंगे. उसके बाद फिर से वन है तो हमें ये लाइन कंटिन्यू करनी है. और फिर से है वन, तो ये लाइन भी हमें फिर से कंटिन्यू करनी है. फिर क्या आया है ज़ीरो, तो हम यहाँ पे रेफरेंस लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे ज़ीरो. और उसके बाद फिर से ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हम यहाँ पे रेफरेंस लाइन पे हमें ये कंटिन्यू करना है. उसके बाद फिर हम इसको जोड़ देंगे. इसके बाद फिर हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें सीक्वेंस दिया है 00100111. तो यहाँ पे मैं उसकी मार्किंग कर देता हूँ. सबसे पहले है 0, फिर है 0101110. तो अगर 1 आता है तो हमें ये रेफरेंस लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर 0 आता है तो हमें वो रेफरेंस लाइन के ऊपर हमें लाइन ड्रॉ करनी है. तो पहले क्या है 0, तो हम ये रेफरेंस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे. फिर से 0, तो ये हमें कंटिन्यू करना है. फिर है 1, तो ये रेफरेंस लाइन के ऊपर में आएगी लाइन. फिर है 0, तो ये रेफरेंस लाइन पर ड्रॉ करना है. फिर 1 है तो ये लाइन ऊपर में आएगी. फिर से 1 आया तो हमें ये कंटिन्यू करना है. फिर 1 है, फिर कंटिन्यू होगा. और फिर 0, तो ये आपको लाइन पर ड्रॉ करना है. और फिर हम ये जोड़ देंगे. तो आपको एग्जांपल में अगर यूनिपोलर एनआरजेड ड्रॉ करने के लिए आता है तो बस आपको ये इस तरह से आपको ड्रॉ करने हैं. इसके बाद हम देखेंगे पोलर एनआरजेड. तो पोलर एनआरजेड में दो लेवल है. तो सबसे पहले है पोलर एनआरजेड एल और फिर नेक्स्ट पोलर एनआरजेड आई. तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पोलर एनआरजेड एल. तो इसमें हमें डिजिटल डाटा दिया है 100011001. इसे हमें वेव फॉर्म में प्लॉट करना है एंड इसके हमें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है. तो इसकी ट्रिक ऐसी है कि हमेशा याद रखिए कि अगर जीरो है तो हम इसको एज अ हीरो कंसिडर करेंगे, और अगर वन आता है तो हम इसको एज अ ज़ीरो कंसिडर करेंगे. एंड इसमें आपको क्या करना है कि इसकी वेव फॉर्म जो रहेगी वो
ऊपर नीचे में रहेगी वेव फॉर्म्स। और इसके पहले हमने क्या किया था, यूनिपोलर सॉल्व किया था, तो जिसकी वेव फॉर्म क्या थी, रेफरेंस लाइन के सारी हमें ऊपर ही ड्रॉ करनी थी, पर इसकी क्या रहेगी, ऊपर नीचे में रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीक्वेंस। तो पहले क्या है, वन, फिर है जीरो, जीरो, वन, वन, जीरो, वन, जीरो, वन। तो सबसे पहले क्या आया है, वन आया है, तो ये क्या है, ये जीरो है, तो हमें इसको रेफरेंस लाइन के नीचे में ड्रॉ करनी है लाइन, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या है, हीरो, हीरो है ना, आपको रेफरेंस लाइन के ऊपर में लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम ये जीरो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर से क्या आया है, जीरो, तो ये लाइन हमें कंटिन्यू करना है। उसके बाद क्या आया है, वन आया है, तो हमें ये रेफरेंस लाइन के नीचे में लाइन ड्रॉ करनी है। फिर से वन आया है, तो ये कंटिन्यू करना लाइन हमें। और फिर क्या है, जीरो, यानी क्या है, हीरो, तो हम ये ऊपर में ड्रॉ करेंगे रेफरेंस लाइन के। फिर है वन, तो फिर से ये रेफरेंस लाइन के नीचे में आएगा, क्योंकि जीरो है वो, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर से जीरो आया है, तो रेफरेंस लाइन के ऊपर में रहेगा जीरो। और फिर है वन, तो ये नीचे में ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि वो जीरो, तो बस ये हीरो जीरो अब याद रखिए, तो आप बनाते वक्त आपको वो इजीली याद रहेगा। फिर हम ये जोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम और एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले मैं ये डिजिटल डाटा यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये वन, वन, जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो, वन, वन। तो सेम यहाँ पे वो ट्रिक याद रखिए, जीरो है तो फिर हीरो है, और वन है तो फिर जीरो है, तो हमें ये ऊपर नीचे ड्रॉ करना है। इसमें भी सबसे पहले क्या है, वन, तो ये क्या है, जीरो है, तो ये हम नीचे में ड्रॉ करेंगे रेफरेंस लाइन के। और फिर क्या है, वन, तो ये हमें लाइन कंटिन्यू करनी है। फिर क्या है, जीरो, तो क्या है, ये हीरो है, तो ये लाइन हम ऊपर में ड्रॉ करेंगे। फिर है वन, तो ये लाइन हमें नीचे ड्रॉ करनी है, क्योंकि जीरो है। फिर जीरो, तो ये हीरो है। फिर वन, ये जीरो है। फिर जीरो, ये हीरो है, यानी लाइन ऊपर में ड्रॉ करनी है। फिर वन, रेफरेंस लाइन के नीचे में आएगी, क्योंकि ये जीरो है। और फिर से वन, तो ये जीरो है। और फिर हम इसको जोड़ देंगे। इस तरह से आपको पोलर एनर्जेड एल की वेवफॉर्म क्रिएट करनी है। और ये बस आपको ये ट्रिक याद रखी है, जीरो है तो हीरो, वन है तो फिर जीरो है। इसके बाद हम देखेंगे पोलर एनर्जेड आई। जैसी पोलर है, तो इसमें भी वेवफॉर्म क्या रहेगी, ऊपर नीचे में आपको ड्रॉ करना है। और इसकी ट्रिक ऐसी है कि अगर जीरो आता है तो नो ट्रांजिशन, तो इसका मतलब ऐसे है कि आप जो लाइन ड्रॉ करोगे वो आपको कंटिन्यूस ड्रॉ करनी है, और इसमें उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और अगर वन आता है तो इसमें आपको ट्रांजिशन करना है, यानी क्या होगा, लाइन की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। तो सबसे पहले क्या दिया है, वन, वन यानी क्या करना है, आपको ट्रांजिशन करना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लें कंटिन्यूशन में। और फिर क्या दिया है, जीरो, जीरो यानी नो ट्रांजिशन, यानी इसमें डायरेक्शन में लाइन की कोई चेंजेस नहीं होगी, तो ये लाइन हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद क्या है, फिर से जीरो आया है, तो ये लाइन फिर से हमें कंटिन्यू करेंगे। फिर क्या दी आया है, फिर वन, यानी आपको क्या करना है, ट्रांजिशन करना है, उसकी आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। तो जैसे कि पोलर है, तो इसकी वेवफॉर्म ऊपर नीचे आएगी रेफरेंस लाइन के, तो ये वन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। उसके बाद फिर से क्या है, वन आया, तो इसकी फिर से आपको डायरेक्शन चेंज करना है। और फिर ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या है, फिर से वन आया है, तो फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और उसके बाद क्या है, जीरो, यानी आपको क्या करना है, नो ट्रांजिशन, है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो आपको ये कंटिन्यू करना है। उसके बाद फिर हम और एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जीरो, जीरो, वन, जीरो, वन, 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 जीरो। तो सबसे पहले क्या है, जीरो, जीरो यानी नो ट्रांजिशन, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सबसे पहले लाइन। और फिर से जीरो आया, तो नो ट्रांजिशन, तो ये लाइन हमें कंटिन्यू करनी है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। फिर क्या आया है, वन आया, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी आपको ट्रांजिशन करना है, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो यह हमें इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, और ये लाइन हम ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। फिर क्या आया, जीरो, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नो ट्रांजिशन, यानी आपको ये कंटिन्यू करना है, इसके डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। फिर क्या है, वन आया, तो इसकी फिर से डायरेक्शन चेंज होगी। और फिर से वन आया, तो उसकी फिर से डायरेक्शन चेंज होगी। और फिर से वन आया है, तो फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और फिर क्या है, जीरो, तो हमें क्या करना है, पे नो ट्रांजिशन, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये वीडियो में बस इतना ही।
इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की लाइन कोडिंग स्कीम्स बताऊंगा, जिसमें से पोलार की कुछ स्कीम बची है और फिर है बायपोलार। सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल ये खत्म होता है, इसके बाद मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा। सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।